दोस्तों, वेट लॉस के सारे तरीके इस्तेमाल करके भी हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो हम चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें वेट लॉस का बेसिक नहीं पता होता। हम अपने हिसाब से डाइट लेते रहते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, पर उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। अब एक बात का बहुत खास ध्यान रखें कि आज इस वीडियो में मैं आपको वेट लॉस का सही और साइंटिफिक तरीका बताऊंगा, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आपका वेट लॉस होना कम हो जाए या बंद हो जाए तब आपको क्या करना है। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में, और सबसे पहले आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम चाहिए ये समझने के लिए कि बॉडी फैट आखिर होता क्या है, क्यों ये हमारे शरीर में जमा होता है और कैसे आप इसे कम करेंगे। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी आपको मिलती है बॉडी में जमा ग्लूकोज और फैट से। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसमें 3 तरह का मेजर न्यूट्रिशन होता है। पहला न्यूट्रिशन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा न्यूट्रिशन है प्रोटीन, और तीसरा न्यूट्रिशन है फैट। कार्बोहाइड्रेट्स का काम है बॉडी को एनर्जी देना, इसलिए हमारी बॉडी इसे ग्लूकोज में बदल कर रख लेती है। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये एनर्जी भी आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिल रही है। प्रोटीन का काम है मसल, स्किन और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की रिपेयर करना। फैट का भी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी काम है। फैट से हॉर्मोन्स बनते हैं, विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं। फैट खाने से आपके हड्डियों के जॉइंट्स की हेल्थ भी अच्छी रहती है। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान से समझें। आप कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फिर फैट हो, ज़रूरत से ज़्यादा खाई गई हर चीज़ बॉडी फैट में बदल जाएगी। खाने में फैट खाने से बॉडी फैट नहीं बढ़ता। कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तब बॉडी फैट बढ़ता है। आम तौर पे सबसे ज़्यादा बॉडी फैट या मोटापा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से बढ़ता है। प्रोटीन और फैट खाने से मोटापा ज़्यादा नहीं बढ़ता। बॉडी फैट हमारे शरीर में इसलिए जमा होता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज से दुगनी एनर्जी होती है। बॉडी फैट बढ़ाना और वज़न बढ़ाना हमारी बॉडी का एक ज़्यादा एनर्जी जमा करने का तरीका है। बॉडी फैट एक एनर्जी का सोर्स है। समझ लीजिए, हमारी बॉडी एक ऐसी गाड़ी है जो 2 तरह के पेट्रोल पर चलती है। पहला पेट्रोल है ग्लूकोज और दूसरा पेट्रोल है बॉडी फैट। तो अब आप समझ गए कि बॉडी फैट क्या होता है और ये कहाँ से हमारे शरीर में आके जमा होता है। तो ये बातें समझने के बाद अब मैं आपको बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि बॉडी फैट आप कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है जिसमें पेट्रोल है और आपको पेट्रोल ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे? आप गाड़ी को ज़्यादा चलाएंगे और पेट्रोल कम डालेंगे। तो वैसे ही हमारी बॉडी का पेट्रोल है बॉडी फैट। तो अगर आपको बॉडी फैट कम करना है तो आप अपनी बॉडी को ज़्यादा चलाएंगे यानी एक्सरसाइज करेंगे, और पहले से कम खाएंगे यानी डाइट पर ध्यान देंगे। तो अब देखते हैं कि आप ये कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों 3 स्टेप्स में होंगी। पहले स्टेप में आपको अपनी डाइट का हिसाब रखना है। इसके लिए सबसे पहले आप एक छोटी डायरी में लिखना शुरू करें कि आप एक दिन में क्या खाते हैं और कितना। ये कुछ इस तरह से आप करेंगे। आप अपनी डायरी में इस तरह से लिखें कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में कितना खाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप सुबह 1 कप ओट्स खाते हैं या फिर 2 परांठे खाते हैं, तो आप लिख लीजिए। इसके बाद जो भी पूरे दिन में आप खाते हैं वो भी लिखिए। ये कम से कम आपको 4 दिन तक करना है। अगर आप 1 हफ्ता करें तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम 4 दिन के बाद आपके पास एक अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगा कि आप कितना खाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी कि आप दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ले रहे हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन में हम एडजस्टमेंट करके वेट लॉस करेंगे, और यही वेट लॉस का सबसे बड़ा बेसिक है। अब देखते हैं कि दूसरा स्टेप क्या है। तो दूसरा स्टेप है अपने वजन का हिसाब रखना। अब आपको अपना वजन करना है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वेइंग स्केल की। बिना वेइंग स्केल के वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक अच्छा वेइंग स्केल अमेज़ॉन से या फिर लोकल मार्केट से आप खरीद लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अच्छे वेइंग स्केल का लिंक दे रखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप उसे खरीद सकते हैं। आपको अपना वेइंग स्केल एक ही जगह पर रखना है, इसे यहाँ वहाँ हिलाना नहीं है, और इसके साथ ही आपको अपना वजन सुबह खाली पेट एक ही टाइम पर लेना है, अलग अलग टाइम पे नहीं लेना है। अब एक बार आपको पता चल गया कि आपका वजन कितना है, तो अब टाइम है दोस्तों डाइट में बदलाव करने का। तो अब यहाँ पर है तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, जो है डाइट पर कंट्रोल करना। अब आप अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को धीरे धीरे घटाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ये अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे दिन में आप 10 रोटी खाते हैं, तो आपको इसे धीरे धीरे कम करते हुए दिन में 3-4 रोटी पर आ जाना है। यानी आपको अगले 10 से 15 दिन में जितना कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं उसे कम करते हुए आधे से भी कम कर देना है, लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं करना है।
इसके साथ ही आपको प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लेना है। प्रोटीन किस चीज़ में कितना होता है ये अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही ऑप्शंस मैंने दिए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार ये इन्फॉर्मेशन नोट कर लें और इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको सलाद थोड़ा ज़्यादा खाना है और आपको हेल्दी फैट्स भी सही मात्रा में खाने हैं, तो हेल्दी फैट्स के अच्छे सोर्स भी अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको दिन में कम से कम 20 से 30 ग्राम तक फैट हर रोज़ खाने हैं, तो आप दिन में 30 से 50 ग्राम तक प्रोटीन ज़रूर खाएंगे और 20 से 30 ग्राम तक हेल्दी फैट्स ज़रूर खाएंगे। चीज़ों को बारीकी से मेज़र करने के लिए आप इस वेइंग स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ 300-400 रुपये का आ जाता है और वेट लॉस में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसका भी Amazon लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में डाइट प्लान के बेसिक एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स को धीरे धीरे कम करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का हिसाब आप कैसे रखेंगे मैंने आपको वीडियो में बता दिया। इसके बाद आप अपना वेट ट्रैक करेंगे, उसके बाद आप प्रोटीन और फैट्स का ध्यान रखेंगे। तो अब देखते हैं, जब आपका वेट लॉस होना बंद हो जाए या कम हो जाए तब आपको क्या करना है। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए तो आपको 3-4 दिन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को और ज़्यादा कम कर देना है। जैसे पहले आप दिन में सिर्फ मान लीजिए 3-4 चपाती खा रहे थे, तो आपको 3-4 दिन के लिए उसे और कम करना है और लगभग 1 या 2 चपाती पर आ जाना है। इसके साथ ही प्रोटीन और फैट्स को भी आप 20 ग्राम तक कम खाएं, लेकिन सलाद आपको थोड़ा ज़्यादा खाना होगा ताकि आपका पेट भर सके। भूखे आपको ज़्यादा नहीं रहना है, बस डाइट में एडजस्टमेंट करनी है। इसके बाद अगले 3 दिन तक जैसे आप पहले खा रहे थे वैसे ही खाएं, यानी कार्ब्स कम और प्रोटीन और फैट जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया वैसे खाएं। इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना होगा। कुछ दिन कम खाना होगा, कुछ दिन वापस नॉर्मल खाना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो वेट लॉस होना दोबारा से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, तो एक्सरसाइज वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो ज़रूर देखें और फॉलो करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।